हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ एसएचएम एंड रोटेशन। ए बोर्ड ऑफ मास एम व्हिच इज फ्री टू स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर इज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग टू अ वॉल। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। अ सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड एज शोन इन द फिगर एंड इज फ्री टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द बोर्ड। If the board and the cylinder are pulled some distance to the left and then released from rest, what is the frequency of the resulting oscillatory motion? तो सबसे पहले हम एफ बी डी बना लेते हैं। सिंस इसे लेफ्ट की तरफ डिस्प्ले किया गया है तो के एक्स जो है वो राइट की तरफ लगेगा और इसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो राइट की तरफ होगा। तो इस पर फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ लेगा, इस पर लेफ्ट की तरफ लेगा तो इस पर फ्रिक्शन जो है वो राइट की तरफ लेगा। और मान लेते हैं इसका एक्सलेशन जो है वो ए है और इसका एक्सलेशन जो है वो ए वन है। सिंस फ्रिक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका एक्सलेशन भी अल्फा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चूँकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दोनों सेम हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, ए वन प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू ए, इक्वेशन वन। नेक्स्ट इक्वेशन हम इसकी नेट फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं तो के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। हम नेक्स्ट इसके एन एल एम का इक्वेशन लिख लेते हैं। इस पे एफ इज इक्वल टू एम ए वन। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना होगा हमें टॉर्क का। तो सिंस कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे तो हमें इसे सॉलिड सिलेंडर मानना होगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। तो एफ हो जाएगा एम आर अल्फा बाई टू। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें नेट फोर्स से मतलब है। तो हमें मेनली इस इक्वेशन के वेरिएबल्स के टर्म में बाकी इक्वेशंस को रिड्यूस करना होगा। तो सबसे पहले हम अल्फा को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं बेटा अल्फ़ा इज इक्वल टू आर अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस ए वन। अब आर अल्फा को हम ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो एफ हो जाएगा एम इंटू आर अल्फा की जगह ए माइनस ए वन बाई टू। तो एफ हो जाएगा एम ए बाई टू माइनस एम ए वन बाई टू। अब एम ए वन को वापस एफ से रिप्लेस कर देते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम ए बाई टू माइनस एफ बाई टू। तो यहाँ से एफ आ जाएगा, सॉरी थ्री एफ बाई टू आ जाएगा एम ए बाई टू। अब इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सबसे पहले हम एफ को लिख सकते हैं एम ए बाई थ्री। तो फर्दर हम लिख सकते हैं के एक्स माइनस एम ए बाई थ्री
इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से के एक्स आ जाएगा 4ma/3, तो एम ए आ जाएगा 3/4 kx। अब यहाँ पे एम ए जो है वो नेट फोर्स है, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी इजली लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/2π√√k इक्वालेंट बाय एम। तो यहाँ पे k इक्वालेंट है 3/4k, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2π√√3/4k/m आंसर। इसी तरह हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2π√√m/k इक्वलेंट इज इक्वल टू 2π√√m/3/4k इक्वल टू 2π√√m/4m/3k। So we can clearly see that how complex problems, I would rather say mixed problems in mechanics, can be done easily just by drawing the free body diagram and writing the proper equations.